और जैसा कि आप सभी को पता था कल मेरा बर्थडे था, आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा। तो फिलहाल यार बहुत सारा खाने का आइटम बचा था, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट वगैरह सब वही रिपीट कर लूं जो बचा हुआ है, क्योंकि वेस्ट करने से बढ़िया खा लूं। तो मैंने क्या कर रखा गाइस, मैंने इस कढ़ाई में रखा है, इसमें घी डाल रखा है और मेरे पास ये चिकन फ्राइड राइस बची है ना, तो मैं इसको घी का छौंका लगा के इसे खा लूंगा। एक मेरे पास बचा है गाइस हॉट डॉग पेस्ट्री बची है, ये वाली पेस्ट्री बची है। मैं कल बहुत ज्यादा एंजॉय किया और वंस अगेन थैंक यू सो मच सोनू, सोनू की वजह से ना मतलब दिन बन गया कसम से। दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगा बर्थडे नॉर्मल होगा, लेकिन शाम को जब उसने मुझे बुलाया था एक कैफे, उसने बुक किया था, जो मैं कैफे में गया ना तो मतलब आउट ऑफ थिंकिंग था कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। तो थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यार घी गर्म हो चुका है, जल्दी से इसमें चिकन फ्राइड राइस डालता हूँ और जल्दी से तड़का लगा के खाते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने घी में फ्राइड राइस को छौंक दिया है और मेरे पास स्वीट डिश में गाइस पेस्ट्री भी है और ये वाली पेस्ट्री। अब मैं इस हॉट डॉग को तवे में घी के साथ सेक लूंगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, तो गरम गरम खाऊंगा। और गाइस मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं आज रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, किसी हाई फाई होटल में खा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ना अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कभी सोचा ही नहीं था कि घर पे खाऊंगा ऐसा, लेकिन इतना सारा कुछ बच चुका है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो गाइस फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। और अभी हो रही है मॉर्निंग, तो यार ब्रेकफास्ट आज हार्ड हो रहा है थोड़ा, राइस और हॉट डॉग और पेस्ट्री, एक पेस्ट्री गाइस ये भी बची हुई है, आपको दिखा दिए पहले ही। तो फिलहाल जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा कमरा सेट करना है आज, क्योंकि घर ही आता ना तो पूरा सामान वामान सब फैला हुआ था। तो जल्दी से सफाई वफाई करूंगा, पोछा वोछा लगाऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करूंगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्स आर वेरी क्लोज। फिलहाल मैं आ रखा हूँ अभी धूप सेकने। आज मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाया, और दिन में ब्रेकफास्ट करने से पहले नहा लेता हूँ, लेकिन आज भूख बहुत तेज लगी थी गाइस, क्योंकि कल ना इतने लोग आए थे तो सबको खिलाने पिलाने में, अपना तो खाया नहीं कुछ, लेकिन क्योंकि जो मेहमान होते हैं ना वो हमारे देवता समान होते हैं, तो यार अपना तो नहीं खाया कल ज्यादा कुछ, और तो मैंने आज खा लिया था सुबह उठते ही। जल्दी से पहले मैंने ब्रश व्रश करा तो जल्दी से खा के, फिर उसके बाद मैं नहाया, तो अभी फिलहाल आ रखा हूँ धूप सेकने और साथ में लेके आ रखा हूँ दो सेब, तो अभी मैं जल्दी से सेब वगैरह खाता हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ गाइस घंटाघर, क्योंकि मैंने 20,000 mAh का मैंने पावर बैंक लिया था रियलमी का, जिसकी 1 ईयर की वारंटी थी, लेकिन वो 1 महीने में खराब हो गया, तो देखते हैं उसका वो एक्सचेंज करते हैं क्या करते हैं, वो शॉप में जाके बस चलेगा, तब तक के लिए सेब खाते हैं गाइस। तो गाइस फिलहाल अभी जाने वाले मार्केट क्लॉक टावर, क्योंकि पावर बैंक जो था वो खराब हो गया गाइस, 1 महीने में ही खराब हो गया हमारा 2100 रुपये का पावर बैंक रियलमी का, तो उसे देखते हैं कि यार वो क्या करते हैं, उसे रिप्लेस करते हैं या जो भी करते हैं, क्योंकि 1 ईयर की वारंटी है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं रैकेट और मैं भी इनके साथ खेलने वाला हूँ, थोड़ी देर मैं खेलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा सीधे। गाइज अभी बज रहा है शाम के 5 और मैं हो चुका हूँ रेडी हेलमेट डाल के, क्योंकि मुझे पावर बैंक एक्सचेंज करने जाना है, क्योंकि यार 1 महीने में बहुत, एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था और इतनी जल्दी ख़राब हो गया है, तो मेरे पास ये वाले ग्लव्स आज राइडिंग ग्लव्स हेलमेट, तो थैंक यू सोनू फॉर दिस ग्लव्स, क्योंकि यार विंटर है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गाड़ी चलाने में और थोड़ा जंगल ही पड़ता है रास्ते में मार्केट जाने में। तो फिलहाल मैं और सोनू दोनों जा रहे हैं क्लॉक टावर, हम आ चुके हैं क्लॉक टावर। तो गाइस फिलहाल जहाँ से हमने पावर बैंक लिया था उन भैया ने हमें रियलमी के सर्विस सेंटर भेज दिया है, और जिस बिल्डिंग में हम सर्विस सेंटर बिल्डिंग में जा रहे हैं ना वहाँ पर चाय सुट्टा बार भी नीचे से, तो अभी हम यहाँ की चाय भी टेस्ट करेंगे, हमने प्रेमनगर की तो करी थी लेकिन अभी हम करेंगे क्लॉक टावर की। सो गाइज हमें हमारा दूसरा पावर बैंक मिल चुका है, एंड गाइज विच वर इन द सर्विस सेंटर ऑफ रियल मी, सो दे वर वेरी हम्बल और बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और हमारा काम सिर्फ 10 मिनट में हो गया है ना सोनू। हाँ। तो अब सीधे चलते हैं और इसी के सीधे ग्राउंड फ्लोर में चाय सुट्टा बार है, तो यहाँ की चाय टेस्ट करते हैं फिर चलते हैं सीधे सिद्धू वाला। इसकी तबीयत भी खराब हो रही है ना, तो इसे चाय पिलाते हैं गरम गरम। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी चाय सुट्टा बार में, जो कि एक क्लॉक टावर, क्योंकि हमारा मेन पर्पस चाय सुट्टा बार में आने का ये था, यहाँ पर हम आए थे रियलमी सर्विस सेंटर में और ग्राउंड फ्लोर में चाय सुट्टा बार था, सोनू की तबीयत खराब हो रही थी, मैं अदरक वाली चाय पिला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस इतना ठंडा हो रहा है, तबीयत खराब है ना इसलिए कैप पहन रखी है इसमें। तो गाइस फाइनली हम चाय सुट्टा बार से आके सीधे निकल रहे हैं अपने रूम को, और हमें थोड़ा सामान वामान खरीदा, क्योंकि आज रात को तारा का बर्थडे है गाइस,
तो आज तारा के बर्थडे में भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा गाइस तारा के बर्थडे का। बोला के था तो अब देखते हैं यहाँ पे देहरादून में तो रोज जाम ही जाम है, कभी भी आओ रोज जाम ही लगता है। परेशान हो गई मैं जाम से। हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा, सोनी और दीदी तारा के लिए सामान ले रहे हैं बर्थडे के डेकोरेशन का, क्योंकि आज रात को तारा को मिलने वाला सरप्राइज। बैलून्स रिबन्स वगैरह ले रहे हैं, बाकी केक वेक रखेंगे। तो गाइस फाइनली मार्केट से आ चुका हूँ और तारा के लिए हमने सेलिब्रेशन के लिए सब चीज खरीद लिया है, बैलून्स वगैरह और केक वगैरह। आज रात को 12 बजे तारा का केक कट करेंगे और फिलहाल मैं किचन पे हूँ अपने। तो गाइस मैंने आटा गूंद लिया है और रात के लिए मैंने चिकन है, क्योंकि कल जो बचा हुआ था ना चिकन, तो फिलहाल उसको मैंने फ्राई कर दिया घी में और ये रहा आटा। तो भाई गाइस अभी बज रहा है रात के 10 और डिनर वगैरह सब चीज हो चुका है गाइस। अभी फाइनली मैं बना रहा हूँ फाइल, तो फाइल कंप्लीट होते होते आई थिंक 12 बज ही जाएगा। तो फिलहाल फिर आपको दिखाएंगे तारा का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो है गाइस 12 बज चुका है और फाइल वगैरह सब मेरी कंप्लीट हो चुकी है और तारा का बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं सीधे। तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन हो चुकी है बर्थडे की तारा के, और यही वो कल शख्स हैं जो कल भी थे। यहाँ पर बर्थडे कल हो रही है तैयार। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Tara, happy birthday to you. तो भाई सोनू बन चुकी है यहाँ पे फोटोग्राफर, अब ये करेगी यहाँ पे फोटोशूट। भाई भाई नहाना पड़ेगा उसको, ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। भाई दोनों को बहुत ठंडा हो रहा है। तो गाइस अब चल रहा है यहाँ पर डांस, चलो करो करो करो। यहाँ पर खाया जा रहा है बर्थडे केक। थैंक यू सो मच तारा फॉर दिस केक। थैंक यू सो मच भैया और सोनी और आप सबको भी, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल मनाने के लिए। पहली बार हुआ ना बर्थडे का 12 बजे सेलिब्रेशन, फर्स्ट टाइम था मेरा ये। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे बर्थडे सेलिब्रेट करके और पार्टी वगैरह सब कल होगी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, होप्स हो कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।